हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं काफी ज्यादा मस्त जबरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आप में से शायद ही बहुत कम लोगों ने इस तरह का प्रोडक्ट देखा होगा गाइस। इसका नाम है होवर रेसर। ये जो चीज है, आप इसे पानी पर भी चला सकते हो और जमीन पर भी चला सकते हो। अगर सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं तो ये एक होवरबोर्ड है। इस होवरबोर्ड को मैंने खरीदा है फ्लिपकार्ट से 2300 रुपीज में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस होवर रेसर या फिर होवर बोर्ड को खरीद भी सकते हो। इसके साथ हमें एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट मिल जाता है। इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। इसकी रेंज है 25 मीटर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं इस होवर बोर्ड को आपको पानी पर भी चला के बताऊंगा और जमीन पर भी चला के बताऊंगा। इसी बात पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाना और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई, बॉक्स के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं। ये है हमारा होवर बोर्ड और ये है इसका रिमोट। तो पहले मैं आपको रिमोट निकाल के दिखा देता हूं इसका रिमोट किस तरह का है। इसके अंदर हमें दो जॉयस्टिक्स देखने को मिलती है और यहाँ पर दो बटन्स भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर पावर इंडिकेटर भी दिया गया है इसके अंदर। तो मान लो अगर आपको इसको आगे की ओर चलाना है तो ये दो जॉयस्टिक्स को आगे की ओर करना होता है। इसको लेफ्ट टर्न करना है तो इसे प्रेस करना होता है। अगर इसको राइट टर्न करना है तो इसे प्रेस करना होता है। तो यहाँ से आप ये रिमोट को जो है ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और इस होवरबोर्ड को ऑन करना है तो हम लोगों को ये बटन प्रेस करना होता है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें 6 AA बैटरीज डालनी होती है। यहाँ पर मैंने सारी बैटरीज इसके अंदर डाल दी है। इस होवरबोर्ड को चार्ज करने का कुछ अलग ही तरीका दिया है गाइस इन लोगों ने। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस रिमोट से ही हम लोगों को इस होवरबोर्ड को चार्ज करना होता है। तो भाई, अपने रिमोट को रखते हैं साइड में। तो ये है हमारा होवरबोर्ड। क्वालिटी ठीक ठाक ही नज़र आ रही है इसकी। तो यहाँ से इस होवरबोर्ड को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट भी ब्लिंक हो रही है। तो पीछे की तरफ यहाँ पर दो प्रोपेलर्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी एक प्रोपेलर दिया गया है। ये जो प्रोपेलर है इसके अंदर एयर फिल करता है, इस वजह से ये जो आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से फूल जाता है, तभी ये वाटर के ऊपर तैरने लगता है। या फिर अगर आप इसे ज़मीन पर भी चलाते हो तो ज़मीन पर भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लाइड करने लगता है। इसके जो पीछे वाले प्रोपेलर्स हैं हवा को जो है पीछे की तरफ बहुत ही तेज़ी से पुश करते हैं, तभी ये जो हमारा होवरबोर्ड है आगे की ओर मूव होने लगता है। बाकी का इस प्लास्टिक की क्वालिटी जो है मुझे ठीक ठाक सी लगी। यहाँ पर एग्जॉस्ट की ब्रांडिंग वगैरह भी दी है। यहाँ पर भी एग्जॉस्ट की ब्रांडिंग वगैरह दी है। अगर ये नीचे का मटेरियल आपको मैं बताऊँ तो पूरी तरीके से मेरे को लगता है ये रबर का बना हुआ है। यहाँ पर प्लास्टिक है, तो इसको मैं आपको ऑन भी करके बताता हूँ, एक छोटा सा डेमो। उसके बाद बाहर चलेंगे इसे पानी पर चलाने के लिए। तो इसको भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ से ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो प्रोपेलर्स हैं अभी नहीं घूमेंगे। ये एक ही प्रोपेलर यहाँ पे घूम रहा है और इसके अंदर जो है एयर फिल कर रहा है। अभी इन प्रोपेलर्स को चलाने के लिए हमें ये वाले जॉयस्टिक्स यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस, इस तरफ का प्रोपेलर घूम रहा है। अगर मैं ये वाली जॉयस्टिक को प्रेस करता हूँ तो इस तरफ का प्रोपेलर जो है इस तरह से घूमेगा। अगर मैं इन दोनों को ही एक साथ प्रेस करता हूँ तो दोनों एक साथ घूमेंगे। यहाँ से तो मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो। इसके अंदर से बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा भी आ रही है। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं बाहर इसे टेस्ट करने के लिए। देखते हैं क्या ये जो होवरबोर्ड है पानी पर सही से चल पाएगा कि नहीं। इसको पानी पर भी चला के देखेंगे और ज़मीन पर भी चला के देखेंगे। लेट्स गो।
दोस्तों इस हॉवर बोर्ड को मैंने वाटर पे भी आपको टेस्ट करके बताया है और जमीन पर भी आपको टेस्ट करके बताया है, तो दोनों ही जगह ये जो हॉवर बोर्ड है काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। पर इसके अंदर मेरे को एक छोटी सी शिकायत है गाइस, वो है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा स्लो है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है गाइस। जब मैं इसको वाटर पर चला रहा था वहां पर बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, इस वजह से इसकी स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी और इसको कंट्रोल भी करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यार ये जो हॉवर बोर्ड है ऊपर फ्लोट कर रहा था तो कंट्रोल करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको। तो मैंने इसको ज़मीन पर भी चलाया तो वहाँ पर भी ये जो हॉवरबोर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्लाइड कर रहा था। इसको किस तरह से कंट्रोल करना है सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक और दिक्कत है इसके अंदर, वो है इसकी बैटरी। इसकी बैटरी जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार किस्म की लगी। अगर आप इसे फुल चार्ज करते हो तो ये सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट का ही बैकअप दे देता है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपको ये हॉवरबोर्ड कैसा लगा। अगर आप ये हॉवरबोर्ड खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस हॉवरबोर्ड को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट। दोस्तों आज देख लेते हैं किसको किसको मिलने वाला है शॉर्ट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अभिषेक, उत्सव, अनुराग, प्रशांत, ईशान, गगन, शौर्य, शिवम, शफायत, ईशान राणा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।